हेलो किड्स हाव यू ऑल होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम सो किड्स इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैड लर्नड अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच राइट उसमें हमने नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में लर्न किया था टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं नाइन एंड उसमें से हमने नाइन सभी लर्न कर लिए राइट फर्स्ट कौन सा था नाउन प्रोनाउन डिटमिनर

िनस डिटमिनस De क्या दिखाता है नाउन का रेफरेंस दिखाता है कौन सा टाइप का रेफरेंस है फिर एक्जेक्टिव एग्जेक्टिव है वो नाउन का क्वालिटी दिखाता है वर्ब वर्ब जो है हमें जो एक्शन करते हैं वो एक्शन जो दिखाता है उसे हम वर्ब कहते हैं एड वर्प वर्ब में कुछ हम ज़्यादा एड करते हैं उनका जो मूवमेंट है जो एक्शन है उसमें हम कुछ ज्यादा ऐड करते तो वो एडवर्ब बन जाता है सेम में प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन क्या दिखाता है कोई भी चीज़ की पोजिशन दिखाता है वो पर्सन हो प्लेस हो या कोई थिंग्स हो ओके वो उसका पोजिशन दिखाता है कि ये पोजिशन में वो लोकेट है एग्जैक्ट पोजिशन दिखाता है आपको उसे हम प्रिपोजिशन कहते हैं देन आता है कंजक्शन कोई भी दो सेंटेंसेस कोई भी दो फ्रेज कोई भी दो वर्ड्स को जॉइन करने के लिए हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं और कंजक्शन को हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं और कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं फिर आता है इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन भी हम कह सकते बिकॉज जो आप बोलते हो जो साउंड आप मुँह से निकालते हो जब सडन स्ट्रांग फीलिंग सडन मतलब अचानक अचानक स्ट्रांग फीलिंग में जब वो वर्ड आपके मुंह से निकल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं इंटरजेक्शन ओके नाउ ये नाइन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया अगर आपको डाउट हो तो अभी आप मुझे पूछ सकते हो नो प्रॉब्लम बट डाउट मत रखना बिकॉज ये नाइन टॉपिक आपको अभी नहीं पर आगे भी काम आने वाला है आगे भी इसकी तो आप ग्रामर जब तक आप ग्रामर स्टडी करोगे ना तब तक ये नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आने ही वाले हैं सो so, इनके क्या रूल्स होते हैं कैसे वो क्या उनका मीनिंग होता है एक्चुअल में क्या बताता है वो आपको प्रॉपरली लर्न करना और समझना है अगर समझ में ना आए देन यू कैन आस्क मी ओके सो सी नाउ रिमेंबर में कुछ दिया है ऑन पेज नंबर ट्वेंटी टू इन योर टेक्स्ट बुक सी इन रिमेंबर वर्ड्स पैटर्नस आर कम्पोज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच यस वर्ड्स के जो पैटर्न होते हैं आर कंपोज बनते कहाँ से है पार्ट ऑफ स्पीच में जो आप सेंटेंस लिखते हो जो वर्ड्स लिखते हो वो क्या होता है एक्चुअल में वो एक पार्ट ऑफ स्पीच ही होता है ईच पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ इट ओन स्पेशल फंक्शन यस हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का कुछ ना कुछ अलग अलग फंक्शन है नाउन का कुछ अलग है प्रोनाउन का कुछ अलग है डिटर्मिनट का कुछ अलग है so, सो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो उनका कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल फंक्शन है मतलब सबका मीनिंग एक नहीं होता वो डिफरेंट डिफरेंट चीज करते हैं आर देर आर नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच यस ये नाइन पार्ट ऑफ स्पीच में अंडरलाइन करो देर आर नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाइन ऑफ स्पीच है, विच आर दैट नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिन एक्जेक्टिव वर्ब एडवर्ब, प्रिपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। ये आपको भी ऐसे ऑर्डर वाइज लर्न होना चाहिए ओके दे आर देखो अब फंक्शन की तो बात की पर कौन से कौन से फंक्शन है वो भी आपको लिखा है पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है जैसे कि नाउन है नाउन का फंक्शन क्या है नेमिंग नेमिंग वर्ड वर्ड जो भी है वो क्या है नाउन है. So है कि जितने भी नाम है वो सब नाउन है सेकेंड वन प्रोनाउन सब्सटीट्यूट फॉर नाउन सब्सटीट्यूट मतलब इसके जगह ये किसी की जगह कोई अगर आता है तो उसे सब्सटीट्यूट कहते हैं ओके okay? ने ऐसा वर्ड सुना होगा कि वाटर के सब्सटीट्यूट में हम क्या पिए मतलब उसके जगह आप क्या ले सकते हो अगर आपको प्यास लगी है तो वाटर ना हो तो उसके जगह आप क्या लोगे तो उसके में क्या लोगे सो so, ये नाउन के जगह पे यूज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं सब्सटीट्यूट तो इसका एक स्पेशल फंक्शन है कि नाउन के सब्सटीट्यूट में वो यूज होता है फिर आता है डिटमिनल वर्ड दैट डिटमिन माइंड समथिंग अबाउट अ नाउन यस जो कुछ नाउन के बारे में हमें डिटेल में कुछ टाइप बताता है उसका कि कौन सा टाइप का रेफरेंस है उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं देन आता है एग्जेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि एक्चुअल में जो नाउन है वो कैसा है सो so, डिस्क्राइब करता है तो एग्जेक्टिव का स्पेशल फंक्शन क्या है टू डिस्क्राइब अ वर्ड कोई भी वर्ड दिया उसे उसके बारे में वो डिस्क्रिप्शन देता है

डूंग वर्ड्स वो जो डूइंग जो एक्शन दिखती है वो वर्क का मेन फंक्शन है एडवर्प वर्ड्स मोडिफाइंग एक्शन मतलब मोडिफाइंग मीन्स जो आपको एक्शन दी है उसके बारे में ये भी कुछ डिस्क्राइब करता है मॉडिफाई करता है कुछ डिस्क्राइब करता है राइट right? जैसे कि वॉक है तो आप कैसे वॉक कर रहे हो स्लोली फास्ट लाइक दैट देन आता है प्रिपोजिशन रिलेट वन थिंग टू अनदर एक चीज के साथ और एक चीज़ को जोड़ देता उसे preposition है उसे प्रिपोजिशन कहते हैं बिकॉज पोजिशन है सपोज मैं बोलूँ बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल तो कैट का और टेबल का एक रिलेशन हो गया कैट कहाँ बैठी है ऊपर पर किसके ऊपर टेबल के तो so, टेबल का और कैट का एक रिलेशन हो गया बट उनके रिलेशन में हमने कौन सा वर्ड यूज किया ऑन कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल सो कैट और टेबल के बीच में ऑन आया so, दोनों वर्ड के बीच में हमको रिलेशन दिखाया सो so, क्या है प्रिपोजिशन तो प्रिपोजिशन का मेन फंक्शन क्या है दोनों का रिलेशन बनाता है कि ये वर्ड है और ये वर्ड है दोनों का कुछ रिलेशन होना चाहे उसको एक वर्ड देता है जिससे वो रिलेट हो जाता है इन शॉर्ट पोजिशन दिखाता है देन आता है कंजक्शन वो क्या है ज्वाइनिंग वर्ड उनका उसका काम क्या है उनका फंक्शन क्या है कंजेक्शन का कि दो भी वर्ड्स है, है या तो सेंटेंस करना बट और बिकॉज़ सो सब ज्वाइन करते हैं इंटरजेक्शन उसका मेन फंक्शन क्या है एक्सप्रेस इमोशन इमोशन दिखाना कि आप कौन सी स्थिति में हो? आप खुश हो गुस्से में हो दुखी हो या बहुत खुश हो या आप कुछ जीत गए हो या आपको शाबाशी मिल रही है लाइक दैट वो सिचुएशन पर डिपेंड होता है सो so आपका इमोशन दिखाता है फीलिंग्स दिखाता है कि आप खुशी में हो दुख में हो ओके okay? सो so उसका मेन फंक्शन क्या है इमोशन दिखाना इमोशन कोई भी टाइप का हो सकता है ना खुश का भी हो सकता है और सैडनेस का भी हो सकता है डन ओके okay. फिर आपको अगर फंक्शन में कुछ डाउट हो ना बच्चों तो आप मुझे पूछ लेना और एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ नाउन का मेन फंक्शन क्या है नेमिंग वर्ड सबका नेम देता है प्रोनाउन क्या है सब्सटीट्यूट है नाउन का नाउन क्या हम जगह पे यूज कर सकते हैं डिटर्मिनर क्या है जो हमें नाउन के बारे में कुछ बताता है एग्जेक्टिव क्या है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है कुछ किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करता है उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है वर्ब क्या है वो डूइंग वर्ड है जो हमें कोई भी एक्शन दिखाता है एडवर्ब क्या है वो वर्ड्स को मॉडिफाई करता है जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो हमें एग्जैक्ट बताता है प्रीपोजिशन क्या है कोई भी दो चीज़ है उसके बीच में जो रिलेशन के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं उसे सब प्रीपोजिशन मतलब उसकी पोजिशन दिखाता है देन आता है कंजक्शन कोई भी वर्ड है फ्रेज है सेंटेंस इसको से ज्वाइन करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे कंजक्शन देन आता है इंटरजेक्शन जो हमें कुछ इमोशन दिखाते खुशी का गम का दुख का ओके okay? सो so, उसे हम क्या कहते हैं इंटरजेक्शन सो होप आपको ये फंक्शन में भी कोई डाउट नहीं आएगा अगर इनकेस आपको आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो ओके ओके नाउ मूव टू योर वर्कशीट ओके पेज नंबर ट्वेंटी थी, ट्वेंटी थ्री एंड क्वेश्चन नंबर ए

वर्ड्स सेंटेंस किससे बनते हैं वर्ड्स है एंड वर्ड्स आर मेड अप ऑफ वर्ड्स है वो कुछ लेटर्स है ए बी सी डी उनसे वो जो लेटर्स का बहुत सारा ग्रुप हो जाता है तब वो क्या बना देता है वर्ड्स सो सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स आर मेड अप ऑफ लेटर जब वर्ड्स का ग्रुप होता है तो सेंटेंस बनता है जब लेटर्स का ग्रुप होता है तो वर्ड्स बनता है इस दोनों टॉपिक में आप कंफ्यूज मत होना, ओके? Okay? फिर आता है नंबर टू सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ डैश ऑफ वर्ड सेट इन अ प्रॉपर ऑर्डर अ सेंटेंस इज अ ग्रुप वो किसका ग्रुप है कलेक्शन ऑफ वर्ड बहुत सारे उसमें वर्ड होते हैं पूरा एक ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ग्रुप या तो कलेक्शन होता है या तो सिलेक्शन होता है ऐसे वर्ड्स का इन अ सेट इन अ प्रॉपर ऑर्डर या तो वो ग्रुप होता है या तो कुछ कलेक्शन होता है वर्ड का जो प्रॉपर ऑर्डर में होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं सो सेंटेंस इज अ ग्रुप और कलेक्शन और सिलेक्शन ऑफ वर्ड सेट इन अ प्रॉपर ऑर्डर सिलेक्शन में आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ पर आप यहाँ आपको कलेक्शन लिखना है कुछ खास वर्ड्स को हम कलेक्ट करते कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करते उनके प्रॉपर ऑर्डर में मतलब सही ऑर्डर में सपोज मुझे लिखना है द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल ओके कैट टेबल के ऊपर बैठा है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती टेबल इज़ ऑन द कैट ये तो गलत हो गया ना अब सेंटेंस को अब वर्ड्स को ठीक से प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन करो तो ही वो कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा फिर आता है नंबर थ्री एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस डज अ जॉब। यस। एक सेंटेंस में चाहे वो एक ही वर्ड क्यों ना है, दो ही वर्ड क्यों ना हो थ्री वर्ड हो फोर वर्ड हो फाइव वर्ड हो दैट नॉट मैटर बट ईच वर्ड हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ उनको काम दिया गया होता है या तो वो नाउन होता है प्रोनाउन होता है और उनका एक स्पेशल स्पेशल प्लेस होता है सेंटेंस में अब सेंटेंस लिख रहे हो अभी हमने जो बोला द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल तो अभी मैं ऐसा बोलू इज सिटिंग ऑन द टेबल पर कौन आपको कुछ समझ में आएगा नो no. बट अगर कैट लिखो तो आपको उसका पता चला कैट क्या है नाउन है और उसके रिलेटेड क्या बोला है हमको कैट इज सिटिंग मतलब वो बैठी है कहाँ ऑन मतलब ऊपर किसके टेबल So, आपका जो क्वेरी है ना वो ऑटोमेटिक सॉल्व कर देता है तो ईच वर्ड का ना कुछ सर्टन सर्टन जॉब होता है विदाउट वर्ड्स कोई भी आप वर्ड मिस कर दोगे तो उसका मीनिंग ही नहीं आएगा आपको क्वेश्चन आंसर ही नहीं मिलेगा कि आप क्या एक्चुअली में जानना चाहते हो फिर आता है नंबर फोर वर्ड्स डू डैश जॉब व्हेन यूज इन स्पीच यस जब हम स्पीच में यूज करते हैं मतलब जब बोलते या तो लिखते तो वो कैसे जॉब परफॉर्म करते है? अलग अलग डिफरेंट हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है हर वर्ड सेंटेंस में या स्पीच में कुछ अलग उनका रोल पे प्ले करता है ओके सो वर्ड्स डू डिफरेंट जॉब्स वैन यूज इन सी यहाँ जॉब मतलब ये नहीं कि वर्ड्स को हम जॉब पर काम पर नौकरी पर रख रहे हैं नो बट वर्ड से उनका काम ही है कुछ ना कुछ उनको काम दिया गया होता है नाउन है किसी का नेम है तो उनका काम क्या है नेम शो करना प्रोनाउन है तो उसको क्या काम है नाउन के जगह पे होना राइट right? तो उन्हें कुछ डिफरेंट डिफरेंट जॉब है नंबर फिफ्थ जॉब ऑफ वर्ड इन सेंटेंस डिसाइड दिट क्लास यस जो भी आप वर्ड लिख रहे हो उनका जो भी जॉब है जो भी वर्ड लिख रहे हो सटन कोई नाउन लिख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही जो भी वर्ड लिख रहे हो ना उसका क्लास दिखाता है कि वो नाउन है प्रोनाउन है डिटर्मिनल है एग्जेक्टिव है देन देर आर डैश डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्ड्स यूज इन स्पीच कितने क्लासेस है सी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप क्लासेस भी कह सकते हो वर्ड क्लासेस भी कह सकते हो ओके सो हाउ मेनी क्लासेस ऑफ वर्ड्स आर देर नाइन कितने नाइन ओके okay. फिर नंबर सेवन देखो डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड अलग अलग क्लास के जो वर्ड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच डन इसमें कोई डाउट है फिलिंग द ब्लैंक्स में होप सो so, नहीं होगी अगर होगी तो आप पूछ लेना ओके सी क्वेश्चन नंबर बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज अ सेंटेंस मेड अप ऑफ व्हाट इज अ सेंटेंस मेड अप ऑफ सेंटेंस किससे बनता है मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला सेंटेंस किससे बनता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स से अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वर्ड्स यस सेंटेंस कैसे बनता है वर्ड्स से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो उससे क्या बनता है सेंटेंस सो अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वर्ड्स ओके फिर आता है नंबर टू हाउ मेनी डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्ड्स आर दर इन ऑल कितने टाइप के वर्ड क्लास है यस नाइन देर आर नाइन डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्ड्स कितने हैं नाइन डिफरेंट है कौन से कौन से एक बार रिपीट कर लो नाउन प्रोनाउन डिटर्मिनर एग्जेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रिपोजिशन कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन यस ये आपको मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा सो विच वर्ड्स नेम पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग कौन से वर्ड में नेम पर्सन का नाम एनिमल्स का नाम प्लेस का नाम और थिंग्स का नाम आता है ये yes, सबको पता है अब तो नाउन्स में तेन नंबर फोर विच वर्ड्स एक्सप्रेस एक्शन डन बाय नाउन और प्रोनाउन कौन से वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्रेस करता है वर्ब द वर्ड एक्सप्रेस एक्शन डन बाय जो नाउन और प्रोनाउन में जो एक्शन होता है वो कौन कौन दिखाता है वर्ब वर्ब्स नंबर वर्ड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कौन से ऐसे वर्ड है जो सेंटेंस और वर्ड्स को ज्वाइन करता है तो कंजक्शन कंजक्शन है वो ज्वाइन करता है सेंटेंस और वर्ड को फिर सी नंबर सिक्स विच वर्ड एक्सप्रेस क्वालिटीज ऑफ नाउन और प्रोनाउन कौन से वर्ड्स ऐसे जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को दिखाता है नाउन की क्वालिटी दिखाते हैं वो है एक्जेक्टिव सी नंबर सेवन विच वर्ड आर एक्सक्म अंड सडन इमोशन कौन से वर्ड्स सडन इमोशन मतलब अचानक से हो जाने पर हम यूज करते हैं वो है इंटरजेक्शन राइट सडनली कुछ हो जाता है तो आप ये सब वर्ड्स बोलते हो सी आपको मेमोराइज तो हो जाएगा अलोंग विथ डेट आपको ये जो स्पेलिंग से वो भी लर्न करना होगा एन एस नाउन्स वी आर पी एस वर्ब्स सी ओ एन कन जे यू एन जंग C T I O N S conjunction Okay, so conjunction add a d a j c check t i v s t i o s eject t i o i n in inter inter j c check t i o n s interjections ओके okay, ये तो आपको memorize भी करनी है now इसके बाद मुझे आपका test का भी थोड़ा discussion करना है ये चैप्टर देखो आपका यही कंप्लीट हो गया ये आप, आप नोट आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि आपको ये क्वेश्चन नंबर ए और बी अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है ओके एंड सेकेंडली हाँ टेस्ट आपकी इस वीक इंग्लिश ग्रामर की उसमें मैंने आपको सिलेबस दिया है राइट उसमें आपको क्या करना है सिलेबस में आपके चैप्टर फोर और फाइव आने वाले राइट सॉरी थ्री और फोर आने वाले फाइव में कुछ कंटेन नहीं है उसी मैंने नहीं लिया है सो थ्री और फोर आने वाले हैं उसमें से आपको मैंने जो पेपर स्टाइल दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर पुट द सर्कल राउंड देन डिवाइड द वर्ड्स इन टू सिलेबस इट ऑन आर वर्ड्स ऑफ वन सिलेबस राइट टू वर्ड्स हैविंग मोर देन टू सिलेबस यस देन आपको और एक मैंने क्वेश्चन ऐड किया राइट द नेम्स ऑफ मंथ ऑफ द ईयर ओके ये सब आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है ओके okay? अगर ये आपको चैप्टर नंबर थ्री और फोर में अभी डाउट आए या तो टेस्ट रिलेटेड कोई क्वेरी आए देन यू कैन आस्क मी बट आप कंफ्यूज मत होना ओके okay? पेपर स्टाइल को लेकर या टेस्ट को लेकर या सब्जेक्ट को लेकर ओके okay? कुछ ना समझ में आए देन यू कैन आस्क मी बट डोंट बी कन्फ्यूज़ ओके सो होमवर्क आपको क्या करना है यस चैप्टर नंबर टेन की वर्कशीट कंप्लीट करनी है सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे